Welcome on Bandra Classes YouTube channel. I am Navgat Mishra to discuss some basic concept of geometry of class 6 and hope you have to enjoy this session. And it is also requested to you that it is not necessary to subscribe this channel, but it is necessary to watch this channel because it is very beneficial for you. My dear students, regarding the geometry, ये ज्योमेट्री दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड किस वर्ड से ज्योमेट्रा एंड ज्योमेट्रा दिस ग्रीक वर्ड हैज बीन मेड फ्रॉम टू वर्ड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स जियो एंड मेट्रोन जियो मीन्स व्हाट जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रोन मीन्स टू मेजर इट मीन्स अब जियो मीन्स क्या होता है अर्थ और मेट्रोन मीन्स मेजर So what is the meaning of geometry? The measuring of earth. Yeah, measurement of earth. And you know that on earth there are different types of figures. So actually you can just define a geometry by this way that geometry is the branch of mathematics in which we study the shape, size, position and properties of different figures. So, my dear, regarding the definition of geometry, the branch of mathematics in which we study about shape, size, position, and properties of different figures. You have to just keep in mind that. Alag alag hai. Shape alag ho, size alag ho, iske baad properties alag hai. Aur alag alag tarah ke hum figures ke baare mein jo study karte hain, to actually this is known as The geometry. हम बात करेंगे अलग अलग तरह के फिगर्स के बारे में तो लेट्स डिस्कस सम डिफरेंट फिगर्स और ये स्टार्टिंग होता है द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें कंसेप्ट ऑफ पॉइंट से अब इसमें सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं पॉइंट जो है आप पेंसिल को शार्पन करो शार्प करने के बाद उसका जो पॉइंट जो है पेंसिल का पॉइंट जो है उसको फिरली फॉल कर दो ऐसे ले लो और इसको फिरली छोड़ दे ये पेपर पर गिरने के बाद जो छोटा सा निशान बन के तैयार होता है द लिटिल मार्क इट हैज जनरली नो स्पेस ये छोटा सा जो पॉइंट के द्वारा जो ऑक्युपाई स्पेस है इससे छोटा हम नहीं कर सकते तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट तो पॉइंट है क्या पॉइंट है मार्क ऑफ पोजिशन पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन इट मीन्स अगर किसी पोजिशन को हमें दिखाना हो इफ यू हैव टू लोकेट एनी पोजिशन किसी पोजिशन को दिखाना है तो उसके लिए हमें मार्क एक पॉइंट की जरूरत होती है जैसे इट इज योर हॉर्स एंड यू हैव टू मार्क इट ए पॉइंट हैज बीन टेकन And then we take another point. This is market, which is 2 kilometers in east. So you have just located the point. Where you have to locate? And several times we have seen that on geography, when you are going to map study, there are several points you are just located on the map. Why? Because point help there. To find the position of any place, object, river, and so on. So, mark of the position. If you have to find out the mark, कभी भी किसी का स्थान बताना हो, position बताना हो कि कहाँ पर खड़ा है. You have ever seen that in cricket commentary जब live commentary चलता रहता है, तो उसमें देखोगे कि खिलाड़ी के position को बताने के लिए वहाँ पर एक diagram बनाता है कि this is the boundary, this is the ये स्टेडियम है दिस इज एन स्टेडियम इडियट गार्डन ऑफ कोलकाता और यहाँ पर खिलाड़ी है बीच में देखोगे यहाँ पर पिच का मैप बना हुआ रहता है और खिलाड़ी को अभी यहाँ पर विकेट कीपर स्लिप एंड डिफरेंट पोजीशन हैज बीन गिवन ये पॉइंट का ये है पोजीशन को बताने के लिए वहां पर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज डॉट तो ये डॉट जो है आप लगा के पॉइंट को बताते हो तो अब मान लीजिए विराट कोहली यहां पर है इस
इसको बताना है तो आपको ये पॉइंट आपको लोकेट करना पड़ेगा, हाँ, नहीं तो आप पोजीशन बता नहीं पाओगे भैया। तो मार्क द पोजीशन। सेकेंड वन, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम जानते हैं। पॉइंट बहुत ही विचित्र है, क्योंकि जब पहले जब इसका डिफिनेशन आया था वो पल्ली नहीं पड़ रहा था, और क्या ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले जो डिफिनेशन दिया गया था उसमें था कि द फिगर व्हिच हैज नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट नो थिकनेस नॉट ऑक्युपाई अ स्पेस। भैया जिसका लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है, थिकनेस नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे? इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू राइट सच टाइप ऑफ फिगर व्हिच हैज नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट नो थिकनेस। कहां से वो कोई ऑक्युपाई स्पेस नहीं कर रहा है, कैसे करें, कैसे उसको दिखाएं? चाहे पेंसिल का जितना पतला आप कर लो, हाँ, उसके नोक को जितना पॉइंट करो, लेकिन कुछ तो ऑक्युपाई करेगा, कुछ तो नेग्लिजिएबल ही सही, नौ के बराबर ही सही, कुछ तो होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो है दूसरा उसी पर आधारित है, ए पॉइंट हैज नाइदर लेंथ कोई लेंथ नहीं, नो ब्रेथ कोई ब्रेथ नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, नोर थिकनेस कोई मोटाई नहीं, इट ऑक्युपाई नो स्पेस, और कोई स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करता है। सच टाइप ऑफ फिगर जनरली कैन नोट बी ड्रॉन ऑन द पीस ऑफ पेपर व्हाट एवर पॉइंट। आगे हाईर क्लासेस में आप जब जाओगे तो एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड दिया जाता है, अनडिफाइंड। कोई डिफिनेशन है ही नहीं पॉइंट का, बस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं कि इट इज मार्क ऑफ द पोजीशन। ये पोजीशन को मार्क करता है, बताता है, व्हाट एवर, इसका डिफिनेशन देना बहुत ही डिफिकल्ट है। जबकि इट इज आल्सो वेरी अमेजिंग दैट ऑल द फिगर्स ऑफ द ज्योमेट्री दैट यू स्टडी अंडर द मैथमेटिक्स इज मेड फ्रॉम पॉइंट्स। जितने सारे आप फिगर्स पढ़ते हो, वो सारे फिगर्स अभी भी पढ़ना है, रे लाइन लाइन सेगमेंट के बारे में, ये सारे के सारे पॉइंट से बने होते हैं। आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल किया है, या स्फीयर आपने बनाया है, क्यूब क्यूबॉइड, ऑल द फिगर्स आर मेड ऑफ द पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट से ही बनते हैं, पॉइंट के ही कलेक्शन से अलग अलग तरह का फिगर का फॉर्मेशन होता है, व्हाट एवर पॉइंट इज नोट डिफाइंड। तो चलिए हम ज्यादा बात को कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो आपको आपको चूंकि क्लास सिक्स में हो तो आपको यही डिफिनेशन आपको बताना है। अभी उतने बूढ़े की तरह सोचना नहीं है, बड़े बड़े की तरह, बड़े क्लास में आओगे तो बड़े जवाब देना है, अभी छोटे से ही से। तो पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजिशन, आपको ये बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट, अभी हमने दिखाया बहुत सारे डॉट्स करके, और सबसे लास्ट में ए पॉइंट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, इंग्लिश के लेटर ए टू जेड से, ऑफ कैपिटल लेटर से कोई भी। सपोज दैट ये विराट कोहली साहब हैं, तो चलिए इसको भी से हम डिनोट कर देते हैं। ये कौन है, अब ये कोई खिलाड़ी है, चलो इसको हम सी से कर लेते हैं, इसको ए से कर लेते हैं, इसको बी से। इसी तरह से आप अलग अलग पॉइंट को डिफरेंट कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हो। भैया आप स्टार्ट करें यहां पर लाइन सेगमेंट के बारे में। एक काम करो, दो पॉइंट ले लेते हैं, दो पॉइंट लेने के बाद इस दोनों को मिलाते हैं, बिल्कुल सीधा मिलाना, स्ट्रेट। अब जो ये फिगर बनकर तैयार होगा ना, अब अगर ऐसे मिला दोगे ये मैं इस दोनों फिगर की बात नहीं कर रहा, सीधा बिल्कुल स्ट्रेटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैम, सबसे जो छोटा है दोनों पॉइंट के बीच का जो है, दिस इज नोन एज सच टाइप ऑफ फिगर। ये जो फिगर है यहां पर हमने ए और बी को ज्वाइन किया है। तो व्हेन यू ज्वाइन टू डिफरेंट पॉइंट्स देन द फिगर इज फॉर्म, दैट फिगर इज नोन एज
लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन सेगमेंट अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पहला अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट हैज डेफिनेट लेंथ, इसको आप चाहो चूंकि इसमें दोनों एंड पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहला अगर हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला बात हम लिख सकते हैं ए लाइन सेगमेंट हैज टू फिक्स एंड पॉइंट। अब ये दोनों एंड आपको पता है, एक एंड में ए है और दूसरे एंड में क्या है, बी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो ए लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड एंड पॉइंट। तो पहली बात जो आपको अपने ध्यान में डाल लेना है कि इसमें क्या होगा, फिक्स एंड पॉइंट्स होता है। कितने पॉइंट्स होंगे, तो भैया दो एंड है तो इसमें क्या होगा, टू फिक्स्ड एंड पॉइंट या बोथ फिक्स्ड एंड पॉइंट। अब ये दोनों एंड इसका क्या होगा, फिक्स्ड होगा, तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉपर्टी इसमें आप निकाल सकते हो। जैसे इसका लेंथ कितना होगा, निश्चित रूप से फाइनाइट होगा, इसको मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऐसे फिगर का मेजर करते हैं जहां पर दोनों एंड फिक्स हो। अब जैसे तुम्हारा पीस ऑफ पेपर या टेबल का, आप टेबल टॉप का आप लेंथ निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों एंड उसका फिक्स है। आप कोई भी जो फिगर बनाते हो, जैसे हम ट्रायंगल बना रहे हैं, अब ये ट्रायंगल में आसानी से हम इसके साइड को मेजर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर ये दोनों एंड फिक्स है, ए और बी यहां पर दिया हुआ है, तो स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। इसमें इस साइड में बी और सी दिया हुआ है, हम मेजर कर सकते हैं, ए और सी यहां पर दिया हुआ है। तो अब चूंकि ये लाइन सेगमेंटों से बना हुआ है और लाइन सेगमेंट का दोनों एंड फिक्स होता है, तो इट कैन इजिली बी मेजर आउट। और इसमें तो ये दो बात आप समझ गए। तीसरी बात जो आपको करना है, ए लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड आइदर साइड्स। अगर इसको दोनों तरफ फैलाना चाहोगे तो आप इसको फैला नहीं पाओगे। अगर कोई पूछे क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, आपका ना कि बिल्कुल नहीं फैला सकते। क्यों नहीं फैला सकते, क्योंकि ये दोनों एंड इसका फिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। रिप्रेजेंट जो है इसको करने के लिए, तो दोनों फिक्स एंड पॉइंट आपको पता है कि ए बी है, इसके ऊपर में ये छोटा सा नन्ना सा ये लाइन सेगमेंट जो है ड्रॉ कर देना है, समझ गए। अब यहां पर चूंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई एंड बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी ए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हो स्टेटमेंट में लाइन सेगमेंट ए बी, या फिर इसको लिख सकते हो लाइन सेगमेंट बी ए। और आपको मैं बताऊं, सिंपली हम लोग चूंकि इसको बार बार यूज करना पड़ता है, तो एक ऑफिशियली इसको बार बार, हाँ ऐसे भी आप लिख सकते हो ए बी, या फिर इसको हम बी ए भी यूज करते हैं। तो अब यहां पर ये अलग अलग तरीके से हम इसको नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट हुए है कि आप इस दोनों में से कोई ए ए बी और बी ए, इस दोनों जो पहला और दूसरा जो ऑप्शंस है, इस दोनों ऑप्शंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं। जल्दी से आपको मैं बता दूं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट क्या होगा, फिक्स एंड पॉइंट होता है, इसका फिक्स्ड लेंथ होता है, इस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, और इसको दोनों एंड को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, और सबसे आखिरी इसको इस प्यारे ढंग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम रे की बात करते हैं। रे जो है, अब रे को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहां पर क्या है कि वन इसका फिक्स एंड पॉइंट होता है, इसको एक तरफ एरो हेड लिखा हुआ रहता है, ये इसलिए क्योंकि अगर आप इसको चाहो तो इसको जहां तक चाहो आप एक्सटेंड कर सकते हो, यानी कि ये इनफिनाइट तक जा सकता है। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर ये रे के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद करना है। सबसे पहला वन फिक्स एंड पॉइंट,
अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें ए बी से, तो यहां पर देखो कि ए क्या है, ये जो एंड है ये फिक्स्ड एंड है, जबकि ये फिक्स्ड नहीं है, इट कैन बी एक्सटेंडेड। दूसरा जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ आप जानते हो कि अनलिमिटेड लेंथ होगा, या फिर इसी बात को हम इनफिनाइट लेंथ कहते हैं। तो एक्चुअली ए रे हैज इनफिनाइट लेंथ, ये दूसरी बात आपको याद रखना है। तीसरी बात तो याद रखना है ए रे कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन ओनली, इसको केवल एक डायरेक्शन में आप बढ़ा सकते हो, जैसे आप यहां पर देख रहे हो केवल इधर बढ़ा सकते हैं, इधर आप नहीं बढ़ा सकते। अगर मान लीजिए रे ऐसा होता तो अब यहां पर इधर नहीं बढ़ा सकते, इसको हम क्या करेंगे, इधर हम जितना चाहे जिधर एरो हेड है उधर आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। इसके बाद है ए रे कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द पीस ऑफ पेपर, अब यहां पर कैन नॉट बी ड्रॉन, अगर यहां पर बात करें पीस ऑफ पेपर पर तो इसको आप बिल्कुल पेपर पर आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते, यू कांट ड्रॉ ऑन द पीस ऑफ पेपर, क्यों, तो पेपर का जो लेंथ है या ब्रेथ है वो निश्चित है, निश्चित है, बिकॉज वो दोनों एंड उसका फिक्स्ड होता है और यहां पर ये एंड फिक्स नहीं है, इसीलिए आप पेपर पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। इसके अपोजिट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन द पेपर, व्हाट एवर रे कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द पेपर। और सबसे आखिरी बात, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप ए बी ड्रॉ कर लो और उसके ऊपर में एरो हेड दे देना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये एरो हेड जो ऊपर में ये ड्रॉ कर रहे हो, ये एरो है हम ए के ऊपर में, अब यहां पर फिक्स करें पॉइंट कौन है, ए है, तो ए यहां पर ऐसे होना चाहिए। अगर इसको कोई बच्चा बी ए और ये एरो हेड अगर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड फिक्स है और ए कैन बी एक्सटेंडेड, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर ए फिक्स एंड पॉइंट है, तो ये गलती माना जाएगा और ये जो है इसका नेमिंग सही है। तो इसीलिए जैसे आप किसी लाइन सेगमेंट को ए बी लिखो या बी ए लिखो दोनों चलेगा, लेकिन इसमें नहीं चलने वाला है क्योंकि इसका एक एंड फिक्स होता है, दोनों एंड फिक्स्ड नहीं होता। अब यहां पर बात कर रहे हैं लाइन के बारे में, अगर डिफिनेशन ऑफ लाइन की अगर यहां पर बात करें तो ए लाइन हैज नो फिक्स्ड एंड पॉइंट, इसमें जो फिक्स्ड एंड पॉइंट जो होता था इसमें कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अब यहां पर डबल एरो हेड से, ये क्या है, ये दिस फिगर इज ऑफ लाइन और ये दोनों तरफ एरो हेड क्यों है, क्योंकि आप जानते हो कि इसको दोनों तरफ में जहां चाहे जितना चाहे आप ड्रॉ कर सकते हो, इनफिनाइट, ये भी इनफिनाइट तक, ये भी इनफिनाइट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसीलिए तो पहला इसमें याद रखना है कि नो, ये शब्द आप बिल्कुल ध्यान में डालो, इसमें कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता। दूसरी बात, ए लाइन हैज इनफिनाइट लेंथ, इनफिनाइट लेंथ इसलिए जब ये दोनों एंड इनफिनाइट तक जाता है तो निश्चित रूप से इसमें इसका लेंथ जो होगा इनफिनाइट लेंथ होगा। तीसरी बात है, ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस, अगर आप दोनों तरफ जहां जितना चाहो उतना आप ड्रॉ कर सकते हो, इट डिपेंड अपॉन योर वॉइस, इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि आज दोनों तरफ जो है इसमें एरो हेड दिया हुआ है। और ये लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, चूंकि इसका अनलिमिटेड लेंथ होता है, इनफिनाइट लेंथ होता है, और पेपर आप जानते हो कि फाइनाइट है, तो फाइनाइट पर इनफिनाइट को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, फिक्स लेंथ में आप जो फिक्स नहीं है उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और जब इसको रिप्रेजेंट करना हो तो डबली एरो हेड, डबली एरो हेड का मतलब है दोनों तरफ तीर का निशान देना है। तो अब यहां पर तुम देख सकते हो कि यह ए है और ये बी है, सपोज दैट, तो इट कैन बी रिटेन एज ए बी और इसके ऊपर में ये एरो हेड का हम डबली एरो हेड हम बना देते हैं, इस तरह से आप लाइन, तो जल्दी से आप लाइन के बारे में समझ लो, या फिर एक कंपेरिजन आप जल्दी से हम आपको बताते हैं लाइन रे और लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड्स, लाइन सेगमेंट कैन नॉट एक्सटेंड बोथ साइड्स, इसको कर नहीं सकते,
और रे कैन बी एक्सटेंडेड ओनली वन साइड. तो इसको एक ही डायरेक्शन में रे को कर सकते हैं, लाइन को दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हो, और लाइन सेगमेंट को बिल्कुल नहीं कर सकते हो. लाइन अनलिमिटेड लेंथ लगता है, फिक्स्ड लेंथ नहीं है इसका, ह्यूज लेंथ इसका इनफिनाइट लेंथ है. उसी तरह से रे को भी इनफिनाइट लेंथ है, जबकि लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ होता है जिसको हम स्केल से मीजर कर सकते हैं. लाइन को पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, आप अपने नोटबुक में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. इसी तरह से लाइन सेगमेंट को ये को कर सकते हैं क्योंकि उसका फिक्स है, लेकिन आप रे को नहीं कर सकते. तो लाइन सेगमेंट को कर सकते हैं, लेकिन रे और लाइन को आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट. उम्मीद है कि ये जो हमने आज के सत्र में डिस्कशन किया पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में, ये आपको पसंद आया होगा. और अगर आपको पसंद आया है तो फिर आप इसको स्टडी करें, शेयर तेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. धन्यवाद.